तो अब हमारा आज मंडे है, मंडे को होती है संत सीरीज, उसमें हमारे इस बीच मीनाक्षी जी लेकर आई हैं ज्ञानेश्वर जी को, ज्ञानेश्वर महाराज के बारे में बताएंगे हमें। मीनाक्षी जी आपका स्वागत है संत सीरीज में, थैंक आइए और यू, उसके थैंक बारे में बताएं। यू प्रज्ञा जी। शुभ, हम सब बहुत उत्सुक हैं संत ज्ञानेश्वर जी के बारे में जानने के लिए। हाँ जी, मैं स्टार्ट करती हूँ। परम श्रद्धेय महान योगी संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज का जीवन चरित्र सागर से भी विशाल, हिमालय से विराट, सूर्य से अधिक तेजस्वी, चंद्रमा से अधिक शीतल था। सबसे पहले ऐसे आध्यात्मिक योगी संत ज्ञानेश्वर जी महाराज को मैं शत शत नमन करती हूँ और उनसे आज्ञा लेती हूँ कि उनके बारे में कुछ आपको दो शब्द सुना सकूं, और कुछ त्रुटि हुई हो मैं वो भी हो जाए मेरे से तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। संत ज्ञानेश्वर जी 13वीं सदी के महान संत थे। इन्होंने सारे भारत का भ्रमण किया और सभी को समता भाव का उपदेश दिया। ऊंच नीच का भेदभाव रखना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ज्ञानेश्वर जी का जन्म सन 1275 में महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे ओपे गांव में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ। इनके माता पिता का नाम विठल पंत और रुक्मिणी बाई था। विवाह के बाद इनके पिताजी ने संन्यास ग्रहण कर लिया था। ये बहुत ही पूजा पाठ करते थे, सन्यासी की तरह ही रहते थे। तो इन्होंने एक बार, इनकी पत्नी बहुत ही दुखी थी, एक बार किसी मंदिर में गई, वहां पर एक महात्मा जी की तरफ अट्रैक्ट हुई। वो ध्यान में बैठे हुए थे, अनायास ही ये रुक्मिणी जी उनके पास गई और उनको प्रणाम करने लगी। जब उन्होंने प्रणाम किया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया महाराज जी ने, दूधो नहाओ पुतो फलो और आप हमेशा सौभाग्यवती रहो। वो और जोर से रोने लगी तो उन संत ने पूछा कि आप इतना सुंदर आशीर्वाद पाकर क्यों रो रही हो? तो माँ रुक्मिणी ने कहा कि भगवान, मेरे तो पति मेरे पास है नहीं, उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है, 12 वर्षों से गए हुए हैं, आप अपना आशीर्वाद वापिस ले लो, ये मेरे साथ नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आशीर्वाद वापिस नहीं ले सकता, मैं आपके पति को वापिस ला सकता हूँ। जब उन्होंने अंतर ध्यान होकर देखा कि ये विठल पंथ, उनके पति का नाम था विठल पंथ, ये तो मेरे ही शिष्य हैं, मेरे ही आश्रम में हैं और नाम बदल कर रह रहे हैं। ये अपनी अपनी ध्यान साधना से उसी समय वहां पर गए और उन्होंने उनको डांट लगाई कि आप एक पतिव्रता स्त्री को, एक विवाहित स्त्री को ऐसे छोड़कर बिल्कुल भी संन्यास नहीं ले सकते हो। तो उन्होंने गुरु की आज्ञा मानकर वापिस आए और अपनी पत्नी को स्वीकार किया। इसके बाद 12 वर्षों बाद वो आए थे तो फिर वो खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन समाज ने उनको बिल्कुल भी अपने अंदर नहीं लिया, समाज ने उनको बाहर ही रखा। तो उन्होंने अपने गांव के बाहर एक कुटिया लगाई और वहां रहने लगे। कुछ वर्षों बाद उन्हें 4 बच्चे हुए। इस अवस्था में उन बच्चों का नाम था निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपान और एक पुत्री मुक्ताबाई। संन्यास दीक्षा ग्रहण करने के बाद ये बच्चे हुए, इसलिए इन छोटे छोटे नन्हे बच्चों को बहुत ही सारे समाज का तिरस्कार सहना पड़ा। सारे सन्यासी के बच्चे सन्यासी के बच्चे कहकर छेड़ते थे, क्योंकि सन्यासी तो कभी बच्चे नहीं कर सकते ना। तो ऐसे ही फिर जीवन चलता रहा, रोजमर्रा की जिंदगी में वो
पाठ पूजा करते, देव दर्शन करते, भिक्षा लेते और भिक्षा में जो मिलता उसी से अपना जीवन निर्वाह करते। एक दिन ऐसी घटना घटी, जब वो मंदिर से वापस आते थे तो रास्ते में जंगल पड़ता था। एक दिन ऐसा हुआ, जब वो वापस आ रहे थे तो जंगल में उनको शेर की आवाज, बाघ की आवाज सुनाई थी गरजने की, तो सारे इधर उधर भागने लगे। जब थोड़ी देर बाद सारे सुरक्षित जगह पे आ गए तो उन्होंने देखा कि सारे बच्चे तो आ गए, बड़ा बेटा निवृत्ति नहीं आया। 2-3 दिन वो जंगलों में ढूंढते रहे लेकिन नहीं मिले। फिर वो सोचकर कि हमारा ही कोई कर्म होगा सोचकर बैठ गए। अचानक ही 8 दिनों बाद निवृत्ति वापस आए तो उन्होंने बड़ी ही सुंदर कथा सुनाई। वो कहते कि जब मैं जंगल में से भाग रहा था तो भागते भागते मुझे एक गुफा दिखाई दी। जब मैं गुफा के बाहर खड़ा हुआ तो वहां से एक योगी महाराज महात्मा जी बाहर आए और मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गए। तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और उन्होंने कहा कि गोरखनाथ जी की कृपा से बेटा, गोरखनाथ जी की कृपा से आप यहाँ आए हो। अब मैं आपको दीक्षा दूंगा, आप स्नान आदि करके आ जाएं। दूसरे दिन उन्होंने उनको शिक्षा दी और बहुत ही सारे वेद मंत्र सिखाए, पाठ सिखाया, प्राणायाम, योगा सब कुछ सिखाया, आसन, योग, ध्यान, ज्ञान सब कुछ दिया। और उन्होंने फिर एक बहुत बड़ा राज खोला। उन्होंने कहा निवृत्ति बेटा आंखें बंद करो। आंखें बंद करवाई और उनके सिर पर हाथ रखा। हाथ रखकर कहते कि आप जो आप हो, निवृत्ति नाथ हो, आप शिव जी का अंश अवतार हो और जो तुम्हारे भाई ज्ञान देव जी हैं वो विष्णु जी का अवतार है और छोटे भाई सोपान जी हैं वो ब्रह्मा जी का अवतार है और जो छोटी मुक्ताबाई है वो साक्षात माँ जगदम्बा है। यह सुनकर पिता ने कहा, बहुत ही खुश हुए माता पिता, और पिता ने कहा बेटा ज्ञानदेव, आज से ये निवृत्ति नाथ, ये निवृत्ति नहीं निवृत्ति नाथ हैं। इन्होंने, उनके आगे पिता भी नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए थे, विठल नाथ के पिता, तो बहुत खुश हुए वो कि इतना ज्ञान पाकर आया 8 दिनों में मेरा बच्चा। उन्होंने कहा निवृत्ति नाथ, अब ज्ञानेश्वर को कहा ये आपके गुरु हैं। तो ज्ञानेश्वर जी ने उसी समय उन्हें प्रणाम किया और उनको अपना गुरु स्वीकार किया और उन्हीं से, निवृत्ति नाथ जी से उन्होंने सारा ज्ञान लिया, सारे वेद और उपनिषदों का पाठ किया और ऐसे पाठ करते करते बच्चे बड़े हुए। ज्ञानदेव जी के पिताजी ने सोचा कि अब मेरे बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। जब ये संस्कार हो जाता है तो ये ब्राह्मण थे विठल पंथ जी, जब ये संस्कार हो जाता है तो फिर ब्राह्मणों में इनकी गिनती आ जाती है और ये अच्छे से पूजा पाठ सब घरों में जाके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो उन्होंने आपे गांव में आकर पंडितों से कहा कि मुझे अपनी जाति में सम्मिलित कर लो और मेरे बच्चों के को समाज में ब्राह्मणों का स्थान दो और इसके बदले में आप जो मुझे दंड दोगे मुझे स्वीकार है। ब्राह्मणों ने कहा सन्यासी होने के बाद तुम गृहस्थ जीवन में आए हो, इस प्रकार तुमने दोनों आश्रमों को कलंकित किया है, इसका एकमात्र प्रायश्चित है देह त्याग, तुम्हें मृत्यु को स्वीकारना होगा। यह सुनकर ज्ञानदेव के पिताजी सन्न रह गए। अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य और मंगल कामना के लिए उन्होंने ये निर्णय स्वीकार किया और कुछ दिनों बाद बच्चों को असहाय छोड़कर प्रयागराज में जल समाधि ली। माता पिता के जाने के बाद इन बच्चों को, नन्हे बच्चों को भीख मांगना भी बहुत कठिन हो गया। इन्हें भीख भी नहीं मिलती थी, बड़े ही अछूत तरीके से इन्हें देखा जाता था और ये जब पास से भी किसी से गुजर जाते थे तो वो नहाने लग जाते थे जो ब्राह्मण थे, इनको टच नहीं करने देते थे। अगर इनको कोई भिक्षा देता था तो उनकी भिक्षा भी झोली से गिरा देते थे और बहुत ही छोटे छोटे थे ये। फिर इनको कुछ भी खाने को नहीं मिलता था, फिर ये जंगलों के फल खाने लगे, भूखे रहने लगे और उपवास तो जैसे इनका श्रृंगार ही हो गया। आखिर इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए
ज्ञानेश्वर जी आगे आए और आगे बढ़कर उन्होंने समाज वालों से पूछा, कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इसके लिए तो हमारे पिता ने बलिदान दिया है। तुम कहने लगे इस समस्या का समाधान के लिए, फिर वो कहने लगे कि सन्यासी के बच्चों के लिए प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, तुम लोग अपनी शुद्धि के लिए लाज शर्म त्याग कर गाय और कुत्ते और चांडालों को प्रणाम करते हुए जीवन व्यतीत करो, जिससे तुम्हारे पाप दूर होंगे। यह सुनकर निवृत्ति नाथ ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। वो कहते, मैं तो निवृत्ति हूँ, प्रवृत्ति में मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं तो राजयोगी हूँ। ज्ञानदेव जी ने कहा, मैं सभी शास्त्रों का ज्ञाता हूँ। सोपान ने कहा, लोगों का भगवत आराधना में मन लगाना मेरा मुख्य कार्य है। मुक्ताबाई ने कहा, ज्ञान सुनकर मुक्ताबाई ने कहा, मैं तो मुक्ति हूँ। इन नन्हे बच्चों का ज्ञान सुनकर पंडितों का समूह सारा हैरान हो गया। एक ने कहा, हमारे कहने से तुम्हारे माता पिता ने देह त्यागा, पर तुम लोग शुद्ध हो, इसका प्रमाण क्या है? ज्ञानदेव ने कहा, हमारा पूर्ण विश्वास है कि हम बिल्कुल शुद्ध हैं। आपको ऐसा प्रमाण? ज्ञानदेव ने कहा, हम पूर्ण रूप से शुद्ध हैं। आपको कैसा प्रमाण चाहिए? आप किस तरह का प्रमाण लेना चाहते हैं? हमारी क्या परीक्षा लेना चाहते हैं? आप कहें, हम वो परीक्षा देंगे। सबको पता था कि ये बच्चे बिल्कुल शुद्ध हैं, लेकिन ये सारे उनसे नफरत करते थे। उन्होंने कहा, तुम्हारी शुद्धि का अर्थ है भैंसे को वेद पढ़ना। भैंसे के आगे वेद पढ़ो, उसको कुछ समझ नहीं आता, तो तुम्हारी शुद्धि बिल्कुल नहीं हो सकती, जैसे भैंसा कभी शुद्ध नहीं हो सकता। भैंस क्या, सामने खड़ी भैंस से तुम वेद के उच्चारण करवा सकते हो? बस इतना सुनना ही था। तो ज्ञानदेव जी चुपचाप भैंस के पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने आंखें बंद की और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े प्रेम से बोले, ज्ञान के, हे ज्ञान के देवता, आप अपने मुख से वेद मंत्रों का उच्चारण करें। और वो उच्चारण करते हुए इनको ये प्रमाणित करें कि हम बिल्कुल शुद्ध हैं। दूसरे ही क्षण भैंस वेद मंत्र का उच्चारण करने लगी और अपनी भारी आवाज में वेद मंत्र गाने लगी। ये ऐसा चमत्कार था जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। अंत में ब्राह्मणों ने उनको माफ किया और शुद्धि पत्र दे दी। शुद्धि पत्र तो दे दिया, लेकिन जब भैंसे की जो उच्चारण किए थे मंत्र उच्चारण, ये आग की तरह सारी दुनिया में फैल गया, ये उनका चमत्कार। फिर उनको शुद्धि पत्र मिला, लेकिन उन्होंने शुद्धि पत्र में लिख दिया कि आप विवाह नहीं करोगे, इनमें आप चारों में से कोई भी विवाह नहीं करेगा। इस बात की और ये सारी खबर तिब्बत में भी जा पहुंची। इस बात की चर्चा श्री ब्लैक विस्क की पुस्तक द वॉइस ऑफ साइलेंस में भी है। शुद्धि पत्र तो दिया और लिख दिया विवाह नहीं करोगे, ये सुनकर ज्ञानदेव जी के मन को बहुत ही ग्लानि हुई, बहुत ही दुख हुआ, और वह मानवता के लिए अत्यंत प्रेम और करुणा से भर गया उनका मन, कि मानवता को क्या सिखाए। बहुत दुख हुआ। शुद्धि पत्र पाने के बाद उनकी मन की घुटन तो खत्म हुई और उन्होंने सोचा, अब हमारे साथ अछूतों वाला व्यवहार नहीं होगा। कुछ सालों बाद यात्रा करते हुए जब वो आगे बढ़े, दूसरे दूसरे गांव में जाने लगे, तो एक बार फिर एक घटना घटी। श्मशान घाट में एक महिला, अपने पति का शव उसके सामने था और वो रो रही थी, बहुत रो रही थी। तो उन्होंने लोगों से पूछा कि इसको क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि इसके पति सच्चिदानंद की मृत्यु हो गई है। तो एक मिनट के लिए ज्ञानेश्वर जी ने आंखें बंद की और अपने गुरु निवृत्तिनाथ की ओर देखा और पूछा
क्या सचिदानंद की सत्यचित आनंद की मृत्यु हो सकती है? तो निवृत्तिनाथ ने कहा नहीं। तो उन्होंने ज्ञान देव जी ने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े ही प्रेम से बोले, हे सचिदानंद उठो, तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई है। और वो व्यक्ति धीरे धीरे उठ गया। ये देखकर सारे खुशी से नाचने लगे। फिर ये सचिदानंद ज्ञानदेव जी का परम शिष्य बना और इसने बड़ा ही कुछ उनके लिए लिखा। इसके बाद ज्ञानदेव जी के अंदर विशेष प्रकार की हलचल होने लगी और निरंतर ये हलचल चलती रही। उनकी आत्मा उनको जन कल्याण के लिए प्रेरित करने लगी। ज्ञानदेव जी ने गुरु कृपा से संस्कृत की श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद बड़े ही सरल शब्दों में किया। तब सारे ग्रंथ, उपनिषद, वेद सारे संस्कृत में होते थे। ये पहला ग्रंथ था जो श्रीमद् भागवत का उन्होंने जो अनुवाद किया मराठी में। तब उनकी उम्र सिर्फ 15 साल थी, सिर्फ 15 साल के बच्चे थे जब इन्होंने ये बड़ा ही सुंदर, इसका नाम ज्ञानेश्वरी हुआ। फिर जब ये ज्ञानेश्वरी लिख रहे थे, फिर एक घटना घटी। जब श्राद्ध, जैसे अभी श्राद्ध चल रहे हैं ऐसे ही वहां तब श्राद्ध चल रहे थे, तो किसी ब्राह्मण ने उनको श्राद्ध भोजन के लिए बुलाया। तो उन्होंने वहां, तब ऐसा रिवाज था कि जब ब्राह्मण भोजन के लिए आते हैं तो अपने पुत्रों के लिए खाली आसन रखते थे। तो ज्ञानदेव जी ने आंखें बंद की और सिर्फ ऐसे ही कहा, आगंतव्यम। बस आगंतव्यम कहते ही उनके 3 पीढ़ी के जो भी पितर थे साक्षात आकर बैठे और ज्ञानदेव जी के साथ उनके खाना खाए। और ये बड़ा ही सुंदर दृश्य था। फिर एक दिन एक और घटना घटी। उनके छोटे भाई सोपान को बहुत भूख लगी। वो कहते, मुक्ता बाई मुझे बहुत भूख लगी है। तो मुक्ता बाई कहने लगी कि कल रात चोर आए थे भैया, सारा कुछ चुरा कर ले गए। तो ज्ञानेश्वर जी ने कहा, कोई बात नहीं मुक्ता, भैया गए हैं भिक्षा लेने। तो वो भिक्षा लेकर आए, आटा लेकर आए, तो कहते कि तवा भी टूटा पड़ा है। तो मुक्ता बाई ने कहा, मैं कुम्हार से जाकर तवा ले आती हूँ। जब वो तवा लेने गई तो रास्ते में उसको विसोबा मिले। ये विसोबा थे, विसोबा चाटी। ये बहुत नफरत करते थे, बहुत घृणा करते थे इन बच्चों से। तो उन्होंने पूछा, कहाँ जा रही हो मुक्ता? कहते, मैं, मेरे भैया को भूख लगी है, तवा नहीं है, मैं लेने जा रही हूँ। तो उन्होंने बड़ा व्यंग से कहा कि मांगेंगे भिक्षा और रोटियां खाएंगे, और जिस भी कुमार के पास मुक्ता बाई जाती उसी को वो जाके कह देते, अगर तूने इसको तवा दिया तो मैं तुझे समाज से निकाल दूंगा। तो वो डर कर, उस किसी ने भी उनको तवा नहीं दिया, वो रोती रोती वापिस आ गई। ज्ञानदेव जी ने कहा, क्या हुआ मुक्ता? कहती कि मुझे तवा नहीं मिला, मैं भैया को कैसे खाना खिलाऊं? कहते, कोई बात नहीं, तुम चुप हो जाओ, मैं ध्यान में बैठता हूँ, मेरी पीठ पर ही रोटियां सेक लो। वो ध्यान में बैठे और उनकी पीठ गोल, जहां पे रोटी, जैसे रोटी सेकते हैं उतनी जगह से एकदम लाल हो गई। उसने बड़े आराम से रोटियां सेकी, रोटियां सेकने सेक ही रही थी तो इतने में निवृत्तिनाथ आ गए। उन्होंने कहा, ज्ञानदेव ये क्या कर रहे हो? ऐसे योग विद्या का ऐसे यूज नहीं करना। तो वो फटाफट उठे और भैया से माफी मांगी कि भैया मैं आगे से ध्यान रखूंगा। तो इन तीनों भाइयों को मुक्ता बाई ने खाना खिलाया। जब ये खुद खाने लगी तो एक कुत्ता आया और इनकी रोटी लेकर चला गया। तो निवृत्तिनाथ बड़े भैया ने कहा कि मुक्ता तुमने उसे मारा क्यों नहीं? तुम क्या खाओगी? अब तुम भूखी रहोगी। तो कहती, भैया कैसे मारूं, वो तो विट्ठल थे ना। तो ज्ञानदेव जी हंसने लग गए। ज्ञानदेव जी ने कहा, तो वो विसोबा कौन था जो तुम्हें रास्ते में मिला था? तो कहती, भैया वो भी तो विट्ठल थे ना। तो इतना सुनकर वो विसोबा दीवार की आड़ से सारा कुछ देख रहा था। तो उसने, उसका मन एकदम ग्लानि से भर गया और बहुत ही विचलित हो गया। वो रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा
और दौड़ कर आके उसने मुक्ताबाई के चरण पकड़ लिए और उसके बाद वो उनका शिष्य बना। फिर निवृत्तिनाथ की आज्ञा से मुक्ताबाई ने उनको दीक्षा दी। उनकी सहनशीलता और उदारता देखकर बहुत ही उसका अंतर्मन रोया। फिर ज्ञानदेव जी बहुत ही प्रसिद्ध हो गए। इनके चमत्कार दूर दूर तक फैलने लगे। इन्हीं चमत्कारों को सुनकर तब एक योगी राज थे चांगदेव। उनके चमत्कारों को सुनकर चांगदेव बड़े ही चकित हुए, बड़े ही हैरान हुए। वो भारत के बहुत ही महान संत थे और उनकी उम्र थी 1400 वर्ष। उन्होंने सोचा इतना छोटा बालक कैसे इतना ऊंचा काम कर सकता है। उन्होंने पेन और कलम लिया और कागज लिया और वो सोचने लगे कि मैं इन्हें पत्र लिखता हूँ। जब वो पत्र लिखने लगे तो उनको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लिखूं। उन्होंने सोचा कि मैं तीर्थराज पिताजी लिखूं ज्ञानदेव को या पुत्र ज्ञानदेव लिखूं। इसी कश्मकश में वो सोचने लगे कि चाहे मैं उम्र से बड़ा हूं पर साधना में कौन बड़ा है। सोचते सोचते उन्होंने कोरा ही कागज अपने शिष्यों द्वारा ज्ञानदेव जी को भेज दिया। तो निवृत्तिनाथ जी ने वो देखा, ज्ञानदेव जी ने देखा, थोड़ा सा मुस्कुराए। फिर सोपान ने देखा, वो भी थोड़ा सा मुस्कुराए और आगे मुक्ताबाई को दे दिया। मुक्ताबाई कहने लगी, बहुत जोर से हाथ खिलखिलाकर हंसने लगी और उन्होंने कहा, हमारे योगी जी 14 साल बाद भी इस कागज की तरह कोरे के कोरे ही रह गए। तो निवृत्तिनाथ जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि इस लड़की, उन्होंने वो जो पत्र लेके आए थे उनको कहा कि इस लड़की के बातों पर ध्यान ना देना, ये छोटी है। हम उनके पत्र में लिखे हुए सारे उनके भावों का सम्मान करते हैं और उनके दर्शन करने की इच्छा रखते हैं। उन्हें कहें कि कृपा करके हमारी कुटिया में चरण रखी और हमारी कुटिया पवित्र करें। वो जो पत्रवाहक था वो भी हैरान हो गया कि कैसे इस परिवार में कैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी उम्र बहुत छोटी थी। संदेश सुनते ही चांगदेव निकल पड़े। चांगदेव जी अपनी शान शौकत दिखाने के लिए बड़ा सा शेर के ऊपर सवारी कर आए और हाथ में चाबुक की जगह सांप ले लिया उन्होंने ताकि डरे सारे लोग। और उनके आगे और पीछे चांगदेव की जय जयकार करते हुए सारी लोगों की यात्रा निकल पड़ी ज्ञानदेव जी के दर्शन के लिए। जब ज्ञानदेव जी को पता चला, किसी ने बताया कि चांगदेव जी आपके दर्शनों के लिए आ रहे हैं, तब ज्ञानदेव जी अपने तीनों भाई और बहन के साथ चारों जने अपनी कुटिया, टूटी हुई कुटिया की दीवार पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि अब तो कोई सवारी भी नहीं है, हमारे पास टाइम भी कम है। तो ये बहुत ही सुंदर दृश्य है, ये मेरा मन भर जाता है जब मुझे याद आ, जब मैं सोचती हूँ कैसी स्थिति रही होगी उनकी। बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चे। ज्ञानदेव जी ने दीवार को बड़े ही प्यार से थपथपाया और कहा, प्रिय दीवार, आज तू सक्रिय हो जा ताकि हम सब उस महान संत का स्वागत कर सके। जब दीवार चल पड़ी तो सारा गांव और स्वयं चांगदेव जी बहुत ही चकित हुए और चांगदेव जी समझ गए, भले ही मैं उम्र में बड़ा हूं पर साधना में सिर्फ ज्ञानदेव ही बड़े हैं, ज्ञानदेव ही मेरे से श्रेष्ठ हैं। वो तुरंत सिंह से उतरे और उन्होंने ज्ञानदेव जी को साष्टांग प्रणाम किया बड़े ही प्यार से और उनसे ज्ञानदेव जी से दीक्षा प्राप्त की और ज्ञानदेव जी भी बहुत ही खुश हुए।
और ज्ञानदेव जी ने चांगदेव के लिए पाशष्ठी नामक एक चांगदेव ग्रंथ लिखा। उन्होंने कहा, मैं और तुम अपनी आत्माओं के मिलन में खो गए हैं। ज्ञानदेव जी ने 21 वर्ष की उम्र में आलंदी के सिद्धेश्वर मंदिर के पास एक गुफा में जीवित समाधि ले ली। पहले दो दिन जब उन्होंने समाधि लेनी थी, पहले दो दिन बहुत ही भजन कीर्तन हुआ। फिर 25 अक्टूबर 1296 दोपहर के वक्त गुरुवार को उन्होंने समाधि ले ली। और समाधि लेते वक्त इतना सुंदर दृश्य था, समाधि लेते वक्त कहते हैं साक्षात भगवान पांडुरंग ने उनको तिलक किया, उन्हें माला पहनाई, और तब एक उनके साथ संत थे, उनके साथी संत नामदेव, संत नामदेव जी ने उनकी गुफा की सफाई की। एक हाथ कहते हैं जब उन्होंने समाधि लेने लगे, एक हाथ पांडुरंग जी ने पकड़ा और दूसरा हाथ निवृत्तिनाथ ने। ज्ञानदेव जी ने अपने इष्ट देव की स्तुति की और आंखें बंद कर ली और समाधि ले ली। इसके बाद संत नामदेव एकदम पछाड़ खाकर चक्कर खाकर गिर गए। उन्होंने लिखा, मैंने स्वयं अपने जीवन को उड़कर जाते हुए देखा है। अनुभव के यथार्थ सागर थे, सत्य के यथार्थ सागर थे ज्ञानदेव जी। ज्ञानदेव जी ने मानवता को कर्म अकर्म की शिक्षा दी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि अमरत्व मनुष्य की चेतना में वास करने वाली सामान्य सी वस्तु है। इनके एक वर्ष बाद दोनों भाई और बहन भी समाधि में लीन हो गए। बोलो ज्ञानेश्वर जी महाराज की जय। बहुत सुंदर, अद्भुत, बहुत ही प्यारा। वास्तव में देखिए, सिर्फ 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने समाधि ली। मेरे रोम में ज्ञानेश्वर जी बसे हुए हैं बचपन से। और एक बात और बताओ, इन्होंने अभी कल ही तैयार किया है ये, क्योंकि इतने गेस्ट आए बेचारी कर नहीं पाई, और इन्होंने मुझे सेशन शुरू होने से 20 मिनट पहले बताया कि मैंने अभी थोड़ा रात को लिखा था, थोड़ा अभी लिखा है। तो मैंने कहा पैसा करो, हम रोक देते हैं, उसको फिर कर लेंगे, आप ही करना। कहती नहीं, ये भूल मैं नहीं करूंगी, जब मुझे अवसर मिला मुझे तभी करना है। तो फिर भी सुंदर बताया आपने, बहुत ही अच्छा। मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो शायद लोग जानते होंगे, पर इतना कुछ विस्तार से नहीं जानते होंगे। तो बहुत बहुत सुंदर बताया मीनाक्षी जी, और इनकी जो स्टोरी है ना, ये वाकई में बहुत हार्ट टचिंग है। इनकी एक मूवी भी है संत ज्ञानेश्वर, जो मैं हमने बचपन में देखी थी, दोबारा देखने की मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई। बहुत थैंकफुल हूँ हृदय से, दिल से, आपने इतने प्यार से सुना। बहुत अच्छा मैम, सच में जूम पे आपको ऐसे देखते आपको भी नमन मीनाक्षी जी, आपको भी नमन। थैंक यू मैम। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, आज कुदरती ज्ञानेश्वर का जन्मदिन है। लो, अरे वाह, क्या बात है। देखिए दिल की आवाज होते है ना, किसकी नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं तो करूंगी। मैंने कहा अच्छा मेडिटेशन मत लो फिर, तब तक आप तैयार कर लेना, मैं कर लेती हूँ मेडिटेशन या कोई और लेती हूँ। कहते नहीं, मेडिटेशन भी लूंगी मैं। जब सेशन चल रहा था ना प्रज्ञा जी, तब बीच में दो बार लाइट ऐसे हुई, जब ज्यादा वो बहुत वो हो जाती है मीनाक्षी जी, इमोशनल हो जाती है, तो आप देखो लाइट कम हो जाती है। आप देखा क्या, आपने ऑब्जर्व किया? यस यस, मैंने नोट किया है ना। हां, वो इनका साथ दे रहे थे, इधर के अंदर सब लोग ना देखे, सब ना देखे, वो आपको पूरा साथ दे रहे थे, उनके ब्लेसिंग के साथ। और दूसरी बात, जो ओडिशा में महापिरामिड बनने वाला है, एक्चुअली बन चुका है, फिजिकली नीचे उतर चुका, पर उसपे क्या बोलते हैं, ऊर्जा नहीं है। तो फिजिकली नीचे उतरने के बाद आज मैंने देखा
कि संत ज्ञानेश्वर उस पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान कर रहे और उनके साथ कुछ मास्टर्स ध्यान कर रहे हैं, प्लस हीलिंग से उनको यूनिवर्सल क्रिस्टल मिला जो उस पाताल मतलब धरती के अंदर हील हो रही है जगह, और कुदरती गोरखनाथ वहां आए थे क्योंकि ये मैसेज मेरे को 1 आवर बिफोर मिला। अच्छा जी, मैंने बोला था ना मैं 3 to 4 सेशन में जा रही हूँ अखंड ध्यान कराने के लिए, तो उसमें ये मेरे को मैसेज मिला कि ये गोरखनाथ इससे कनेक्टेड है। तो अभी ये मालूम पड़ा कि ये उनके शिष्य थे मतलब ज्ञानेश्वर, उनको यही से ज्ञान मिला। देखो यहाँ कौन सा कनेक्शन कहाँ आके मिला, मीनाक्षी देखी कहाँ तक एनर्जी पहुंच गई। और आप देखो कब से मुझे कह रहे थे ना ज्ञानेश्वर जी के लिए, तो उन्होंने अपना जन्मदिन वाला दिन ही चुना। पहले भी इन्होंने कोशिश की रही थी कि मैं करूंगी, लेकिन गेस्ट इतने आगे कि मैं अभी इस बार नहीं कर पाऊंगी, आप किस बार का रख लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। और उसमें उस ग्रुप में पवनी मैडम को भी यही मैसेज आया, उन्होंने भी ज्ञानेश्वर के रूप ही मना उसके निमित्त ही मेडिटेशन कराया और ध्यान दिया, तभी ये मेरे को मैसेज आया 3 to 4 में। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए यूनिवर्स एक है, आपने वहां जाकर मेडिटेशन करा, वहां आपको मैसेज मिला है, और यहाँ पर ज्ञानेश्वर हो रहे हैं, सब एक ही है ना। थैंक यू मैम, आनंद आ गया, वेरी हार्ड टचिंग, वेरी हार्ड टचिंग। हेलो पूनम। हाँ जी, हाँ दीदी, नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल है? बढ़िया 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 बढ़िया। अब बहुत अच्छा, अगर कोई अपना अब अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है या ज्ञानेश्वर जी से संबंधित कोई क्वेश्चन है